जहाँ काट के हमारी ये गाड़ी रवा दवा हो जाए और जिस गर्ज के लिए हम इस मैदान में उतरे हैं, तो इसका मकसद हमारा पूरा कोर्ट से हम तहसील प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब करने के आए हैं। बच्चों ने मेरे ख्याल में नीट किया होगा, तीन चार बच्चे घुमा। आजकल चेहरा देख के, दाढ़ी देख के, नाम पूछकर कोचिंग भी दी जाती है, सर्विस। जैसे आजकल कभी पैसा फेंका जाता है, कभी डायलॉग दिए जाते हैं, कभी कुछ जो है वो मसल की ब्याज से जो है उकसाया जाता है। हमें पड़े रहेंगे, हम कोई अपनी मंजिल नहीं पा सकेंगे और हम तरक्की की तरफ गामजन। तहसील प्रेसिडेंट्स जो मंडी से हमारे साथ आए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिले इज्जत, इसी से जान गया समय के पक्ष डलने लगे और मैं थक के छांव में बैठा तो पैर चलने लगे और मैं दे रहा था सहारे तो एक हजूम में था, मैं दे रहा था सहारे तो एक हजूम में था, जो गिर पड़ा तो सभी रास्ता बदलने लगे। तो इसके बाद मैं बगैर किसी ताखीर के जनाब अजीम मलिक साहब को स्टेज पर आने के लिए दावत दूंगा। जनाब अजीम मलिक साहब, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, इतना समय नहीं, वक्त काफी गुजर चुका है, हमने हर साथी का ख्याल रखना है। दो तीन मिनट आपके लूंगा मैं। सबसे स्टेज पर बैठे हुए हमारे जो मुअज्जिज हजरात यहां बैठे हैं, मैं इनकी विसादत से, इनके हुक्म के मुताबिक और सेक्रेटरी साहब के हुक्म के मुताबिक आपके सामने खड़ा हूं। रहीम, हमारा आज का यहाँ सुरनकोट तहसील में जो आज वन डे कन्वेंशन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ का मुनाकिद हुआ है, इसका बेसिक मकसद एक ये है कि हमारी जो पीएसए की जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी थी, उसमें तहसील सुरनकोट के जोन सुरनकोट की बॉडी नामुकम्मल थी, जिसको आज मुकम्मल करने की गर्ज से हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी सारी यहाँ आई है। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है वो मैन कुरैशी साहब की सदारत में हो रहा है, और दूसरा जो अहम मकसद है वो ये है यहाँ इकट्ठे होने का कि जो प्राइवेट स्कूल्स को जो आए दिन परेशानियाँ हो रही हैं, जो मुसीबत आ रही है, जो हम देख रहे हैं कि नित नए गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसको किस तरीके से हम आपस में बैठ के डिस्कस करें और अपनी परेशानियों का अजाला करें। और आज के इस प्रोग्राम के वसात सबसे बड़ा हमारा जो डिमांड रहेगी वो ये है कि हमारे स्कूल खोले जाए। जैसे गवर्नर साहब ने भी एक आश्वासन दिया है कि विद इन 15 डेज हम स्कूल खोले जा रहे हैं, और वो यही प्रोटोकॉल अप्लाई करेंगे कि जहाँ पर जो बच्चे वैक्सीनेटेड हैं उन्हीं बच्चों को स्कूल्स में आने की इजाज़त मिलेगी। लेकिन हम आपके माध्यम से गुजारिश ये भी करना चाहेंगे कि जहाँ बाकी स्टेट्स में छोटे बच्चों को अलाउ कर दिया गया है, तो वह हमारी जम्मू कश्मीर यूटी जो है उसमें भी कभी भी ऑफलाइन का मुतबादल नहीं हो सकता है। ऑनलाइन में आपने देखा होगा कि कई सारे पेरेंट्स का एहतजाज शुरू हो चुका है, और माइक्राम ने भी बयान देना शुरू किए हैं, और कई डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने भी इस बारे में बयान दिया है कि ऑनलाइन कभी भी इसका मुतबादल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से बच्चों में बहुत सारी खराबियाँ पैदा हो गई हैं, मोबाइल्स की एडिक्शन हो गई है और कई सारी दूसरी वो बीमारियों में परेशानी में मुलाकात। मोबाइल तो वो खरीद ही नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में नेटवर्क प्रॉब्लम एक बड़ा इशू है, और कुछ ऐसे माँ बाप गरीब हैं जो एफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनके तीन तीन चार चार बच्चे हैं, तो वो एक बच्चे को अगर मोबाइल देंगे तो दूसरा बच्चा रह जाएगा। तो ऑनलाइन तो ऑफलाइन का मुतबादल हो ही नहीं सकता। हम रोज़ अव्वल से ये बात कहते आए हैं कि ऑनलाइन कोई ऑप्शन नहीं है। अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जब सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो ऑफलाइन जो है वो क्लास कर देनी चाहिए। हम आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि नर्सरी टू कॉलेज लेवल सभी स्कूल जो इनके खोल दिए जाएँ। हमारी गवर्नर साहब से ही अपील।